हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 99 रुपए 48 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो जो ग्रीन कलर के नेक लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक के अंदर एक अहम सपोर्ट लेवल का काम कर रहेगा। नीचे में 95 रुपीज के प्राइस के पास स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेट करता रहेगा और ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो 100 रुपीज पर है। स्टॉक करंट लेवल पर उसी प्राइस के पास ट्रेड कर रहेगा और स्टॉक इस रेंज बोन में देखें तो काफी समय तक स्टॉक ट्रेड करता रहा। स्टॉक में गिरावट जब ज्यादा देखने को मिलती है जब स्टॉक 95 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, उस सिचुएशन में स्टॉक नीचे में 90 रुपीज के प्राइस को 3 टाइम्स रिटेस्ट करता है जहां पर स्टॉक ने एक 3 बॉटम भी बना दिया है और यहाँ से स्टॉक में एक वन वे तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक अगर 100 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है तो ऊपर के टारगेट 103 रुपीज शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को 115 रुपीज के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। काफी समय से स्टॉक 100 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में 95 रुपीज का स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।